अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। एक कार्यक्रम जिसे पूरी दुनिया देख रही थी, उसमें भारत ने अमेरिका और यूरोप के देशों को आईना दिखा दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। हैरान इसलिए क्योंकि भारत ने अमेरिका में ही खड़े होकर पश्चिमी देशों की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कहा था कि रूस से तेल खरीद को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। अब इसका जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया और वो भी सबके सामने। एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना तो यूरोपीय देश दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदने का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आपका ध्यान यूरोप की तरफ होना चाहिए। एस जयशंकर के जिस बयान ने सबको चौंका दिया उसे आपको एक बार फिर सुनना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि हमारी तेल खरीद जितनी एक महीने में होती है उतना तो यूरोपीय देश किसी दिन में दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाल ही में रूसी सुरक्षा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव ने एक ऐसा दावा किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। अपने दावे में सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस से 43% ज्यादा तेल खरीदा। बहरहाल आपको याद होगा कि इससे पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा रूस से ज्यादा तेल खरीदने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फरवरी में जंग शुरू होने के बाद मार्च में यूरोप ने रूस से 15